देख लेते हैं इनका शासनकाल। मैंने आपको बताया था जो आगरा के पास युद्ध हुआ था वह टर्निंग पॉइंट था इनका, औरंगजेब का और दारा शिकोह के बीच, और वहीं से ये 1658 में हुआ था और ये गद्दी पर जो है अपना राज्य अभिषेक कराते हैं। फिर लास्ट आपका एक युद्ध होता है दारा शिकोह के सैनिक और औरंगजेब के बाद 1659 में जो दौराई का युद्ध होता है, वहां से इन्होंने पूरी तरह से एक बार और अपना राज्य अभिषेक कराया। तो मतलब आपका बोला जाए मुगल शासन में दो बार राज्य अभिषेक कराने वाला आपका शासक कौन था, राजा कौन था? तो याद रखना बच्चों कौन था, औरंगजेब था। इसे एकदम पॉइंट बना लेना। और यह क्वेश्चन यहां से पूछता है कि अपना दो बार राज्य अभिषेक कराने वाला मुगल शासक कौन था, तो औरंगजेब था। एक बार आपका कब कराया था, 1658 में कराया था, दिल्ली में ही कराया था। फिर 1659 में जब लास्ट आपका जीता था युद्ध, उसके बाद 1659 में दौराई का जो युद्ध जीता था, उसके बाद 1659 में 5 जून को ये दूसरा राज्य अभिषेक कराया था जो औपचारिक रूप से था। ठीक, तो ये याद रखना, एक आपका फैक्ट यहां से कवर होता है। इसका जन्म के बारे में बात कर लें तो इसका जन्म आपका उज्जैन में हुआ था। ठीक है, आज ही देखो उज्जैन में कौन पकड़ा गया जान लेना। 1618 में हुआ था, 3 नवंबर 1618 को उज्जैन में इसका जन्म हुआ। और किससे हुआ था, शाहजहां की सबसे जो प्रिय बीवी थी मुमताज महल, जिसके नाम से आपका आगरा का किला जो है उनकी याद में बनाया गया, उन्हीं से इनका जन्म हुआ था। ठीक, 37 में, 18 मई 1637 में औरंगजेब का जो विवाह था फारस के राजकुमारी से हुआ था, जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था, दिलरास बानो बेगम, जिसे हम इतिहास में रबिया बेगम के नाम से जानते हैं। इनका नाम क्या है, रबिया बेगम। और इन्हीं के याद में औरंगजेब ने जहां इन्हें दफनाया गया था वहां पर क्या बनाया गया था, एक डाटी ताजमहल का मैंने आपसे बारे में जिक्र किया था जब शाहजहां मैंने आपको पढ़ा था। बेबी ताजमहल कौन था, जो नूरजहां के पिताश्री को जहां दफनाया गया था वो था बेबी ताजमहल। और जहां औरंगजेब की बीबी रबिया बेगम को दफनाया गया औरंगाबाद में, वो बना था आपका, उसे कहा जाता है वो डाटी ताजमहल, मतलब कि ताजमहल का एक भद्दा स्वरूप है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने राज्याभिषेक के बारे में आपको बता दिया इसके। उसके बाद से इसने जैसे ही गद्दी पर बैठा तो कई प्रकार के जो कर लगे थे मुस्लिमों पे, ठीक है, उसे इसने क्या किया, खत्म कर दिया, जिससे थोड़ा राहत तो हुई लेकिन सिर्फ मुस्लिम वर्ग वालों को राहत हुई, हिंदुओं पे इसका जो नीति था, ये जो अपना शासन प्रणाली अपनाया वो बहुत कट्टरता से अपनाया। याद आ जाती है इसको पढ़ाते वक्त आपको मैंने जब पढ़ाया था फिरोज शाह तुगलक, उसने भी अपने शासन का जो रवैया अपनाया था वो किस बेस पे अपनाया था, कुरान के बेस पर। एक बोलते हो शरीयत, जो कुरान का होता है कानून जो होता है शरीयत, उसके बेसिस पे अपना जो है शासन चलाया था। और जब भी कभी आपका शासन शरीयत के बेसिस पे चलने लगता है तो समझ लो वहां पे सिर्फ एक वर्ग की भलाई होती है, बाकी वर्गों का क्या होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। तो यहां भी इसके साथ ऐसा ही हुआ जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ कर जो इसने रियायत दी थी वो क्या थी, राहदारी एक कर थी जो आंतरिक परंपरा शुल्क था, एक पानदारी कर था जो व्यापारिक चुंगियां थी, इनको इसने क्या किया था, समाप्त कर दिया। ध्यान रखना कौन कौन सा कर समाप्त किया, राहदारी और पानदारी। वैसे कहा जाता है कि ये 30 से 35 टाइप के करों को समाप्त किया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा वजन रखने वाले कर थे वो आपके राहदारी और था, और दूसरा क्या था, पानदारी कर था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके सैन्य अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, अपने जो है ये दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये दिल्ली से, अब इसका मेन मकसद होता है अपना राज्य सीमाओं को बढ़ाना। और राज्य सीमाएं कैसे बढ़ेंगी, जब सैन्य अभियान होगा। और एक बात ध्यान रखना, जितनी बार मैंने हिस्ट्री में आपका जिक्र किया पढ़ाया है कि जब भी आपके राजा बदलते हैं उस समय क्या होता है, एक चीज तो कॉमन है, मान के चलो विद्रोह तो होगा ही होगा। सभी लोग अपने आप को उस गुलाम से, भाई जो गुलाम मतलब एक तरह से हो गया ना कि राजा का दिल्ली में जिसका शासन है उसी के अंतर्गत सभी राज्य काम करते थे जो उनके साम्राज्य में थे, तो सोचते थे कि इनसे हम अलग होकर स्वतंत्र राज्य हो जाएं, घोषित हो जाएं,
तो हम अपने ढंग से अपने मन से कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता है। ठीक है, औरंगजेब जितने भी विद्रोह होते हैं, विद्रोह तो होना स्वाभाविक बात है, ये तो हर चैप्टर में मैंने आपको बताया कि किस ऐसा कोई शासक नहीं जिसके शासनकाल में विद्रोह ना हुआ। ठीक, बिना विद्रोह का तो इतिहास ही नहीं हो सकता, तो इसीलिए विद्रोह होना स्वाभाविक था। मगर विद्रोह को कौन बहुत सही ढंग से जो है दबा ले जाता है और कौन अपने ही जो है शासन को अपना ही गद्दी छोड़कर भाग जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कौन था कमजोर पड़ गया था मुगल शासक में, हुमायूं था। जब शेरशाह सूरी ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया, सूर वंश ने शिकंजा कसना शुरू किया, तो वो क्या किया, अपना जो अपने पिताश्री द्वारा साम्राज्य स्थापित था उसको छोड़ छाड़ के किसी तरह अपना जान जो है बचा कर भागा। वो तो कहो कि समय का कि शेरशाह सूरी जो है मौत के गिरफ्त में चला गया, और जो सूरवंश के शासक बने वो बहुत उनके अंदर काबिलियत नहीं थी कि उसको दिल्ली में शासन कर सके, और जिसके कारण अच्छा समय देखकर जो है फारस की सेना लेकर एक तरह से बोल सकते हो ईरान के जो साथ है उनके साथ इन्होंने जो संधि की थी उनकी सेना लेकर फिर से आपके सरहिंद की लड़ाई लड़ते हैं और फिर से मुगल शासक को स्थापित करते हैं दिल्ली में। ठीक, वो सब तो पुरानी बात है, रिवाइज कर लेना, लेक्चर सब पढ़ा हुआ है। तो औरंगजेब जो है आक्रमण करने के लिए भेजता है, कहां पर भेजता है, आपका बंगाल के साइड में भेजता है। ठीक है, और ये जो आपका बर्मा देख रहा है ना, म्यांमार, यहां पर भेजता है। ठीक, चटगांव को यहाँ पे आपका बांग्लादेश में चटगांव एक जगह है उस पर अधिकार करता है। तो इन सब को पूरा बोला जाता है काबुल, अफगानिस्तान के काबुल से लेके यहाँ चटगांव तक बांग्लादेश के, और यहाँ पूरा आपका साउथ इसके कब्जे में था। ठीक, कावेरी नदी के किनारे तक पूरा इसका साम्राज्य फैला हुआ था। अब ये कैसे फैलाया उसके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। चलो, ये आ जाते हैं अगली स्लाइड पे। 1660 में, ठीक है, मीर जुमला, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मीर जुमला क्या था, फारस का एक व्यापारी था जो गोलकुंडा में गोलकुंडा के लिए काम करता था, एक तरह से बोल सकते हो वजीर था गोलकुंडा का, लेकिन इसका जो है वहां के राजा के साथ कुछ सही से मेल मिलाप नहीं बैठा और इसने छोड़कर मुगल्स में भर्ती हो गया। और यही बोला जाता है कि शाहजहां को क्या दिया था, कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, याद रखना, कोहिनूर हीरा शाहजहां को कौन दिया था, तो मीर जुमला दिया था। इसे कहां भेजता है, इसे असम और अराकान क्षेत्र। अराकान क्षेत्र कौन सा है आपका, रखाइन स्टेट इज द स्टेट ऑफ म्यांमार, इस समय इसे रखाइन स्टेट के नाम से जानते हैं। जो अराकान है वो प्रेजेंट में रखाइन स्टेट है, किस जगह का, म्यांमार का आपका। ठीक है, तो वहां पे आक्रमण करने के लिए भेजा, जो मैंने आपको दिखाया अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में, यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है यही अराकान है आपका। ठीक है, जो इसे आज के समय में वर्तमान में रखाइन स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर आक्रमण के लिए भेजा और यहाँ पे जो विद्रोह हुए थे उनको दमन किया, किसने, मीर जुमला ने। फिर 1661 में जो है उसने क्या किया, कूच बिहार। कूच बिहार कहाँ पे है, कूच बिहार आपका प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल में है, ये एक जगह है, यहाँ पे विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को इसने क्या किया, दबाया। और दबाने के बाद 1662 में अहोमों से, जो आपके अहोम असम के साथ जो जनजाति होती है, उनसे क्या किया, संधि कर लिया। ठीक, अब वो लोग अपना जो है कर देने के मतलब मुगल सेना को, मुगल बादशाह को पैसा जो है कर देने में मान गए और इनके बीच में एक संधि हो जाती है। और 1663 में मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब अपने वजीर सहिस्ता खां को बंगाल का जो है एक तरह से गवर्नर बनाकर नियुक्त कर देता है। जब इसकी किसकी, मीर जुमला की व्यक्ति हो जाती है, क्योंकि देखो अगर इसकी मृत्यु हुई तो हो सकता था कि विद्रोह हो, फिर से कोई स्वतंत्र होने की घोषित करे, तो इसी वक्त तुरंत क्या करता है, सहिस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर देता है। सहिस्ता खां जो है 1666 में पुर्तगालियों का दमन करते हैं बंगाल के खाड़ियों के पास और वहां पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और लास्ट में जो चटगांव बोला जाता है, ये भी आपका कहां, बांग्लादेश के साइड में पड़ता है, और यहाँ पे इनका अधिकार हो जाता है, यहाँ से पुर्तगालियों को ये लोग भगा देते हैं। ठीक, तो वही बोला जाता है काबुल से लेकर चटगांव तक और आपका ऊपर से दिल्ली से ऊपर काश्मीर से लेकर कावेरी तक इनका शासन जो है था। आगे बढ़ जाते हैं, 1971 में फिर से जो संधि हुई थी आपका
शाहिस्ता उनके खान के बीच में, वो 71 में क्या करते हैं, अहोम क्या होते हैं, फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पे फिर से अब मुगलों का जो है उतना दबदबा नहीं रह जाता है, तो अहोम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम औरंगजेब के साउथ में, जो दक्कन में इनकी नीतियां थी, क्योंकि साउथ में काफी समय अपना जो है बिता चुके थे, तो इनका वहां पे कैसे इन सभी को, क्योंकि शाहजहां के काल में जो आपको मैं बताऊं, जो बीजापुर था, गोलकुंडा था, ठीक, तेलंगाना था, इन सभी को मिलाया नहीं गया था, इन सभी से संधि कर ली गई थी, ठीक। और जब संधि होती है तो ये नहीं होता है कि संधि सिर्फ शासक के जब तक रहता है तभी तक वो कायम रहती है, बाद में जैसे ही शासक मरता है तो वो लोग अपने आप को शासक के साथ ही वो संधि खत्म हो जाती है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब को देखते हुए औरंगजेब चाहता था कि जब मैं सत्ता में आऊं तो साउथ के जितने भी प्रांत हैं आपके, गोलकुंडा हुआ, बीजापुर हुआ, इनको क्या करें, आपके मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। और इसी नीति से वो दक्कन की तरफ फिर से रुख करता है, आगे बढ़ता है, ठीक। तो 3644 के समय तो मैंने बता ही दिया था कि ये दक्कन का सूबेदार था, सब कुछ इसी के अंतर्गत होता था, औरंगाबाद को इसने अपना वहां पे केंद्र बनाया था कि जो भी शासन की कार्य प्रणाली होगी वो कहां से की जाएगी, औरंगाबाद से की जाएगी, ठीक। उसी से उसमें ये जब औरंगजेब दक्षिण की तरफ अपना ध्यान देता है शासन पर बैठने के बाद, तो दक्षिण में राज्यों को स्वतंत्र, ठीक है, कि वो अस्तित्व में ना आए उनके लिए उसको दमन करना चाहता है, और साथ ही साथ उसी समय आपके मराठों का जो है एक तरह से आपका क्या होता है, बढ़ता रहता है पावर, तो उसको भी उसका दमन करना था, इसलिए मराठों के पास भी वो उनके शक्तियों को दमन करना चाहता था कि इनके साथ मिलकर इनके गोलकुंडा और बीजापुर के सैनिकों को मिलाकर, या यूं कहो या तो मराठों का पहले दमन कर दे और उनके साथ मिलकर बीजापुर और गोलकुंडा को अपने में मिला ले, ठीक। तो इसी रकझक में पहले जब सिपाही भेजता है तो 56 में, तो जानते हो शिवाजी, ठीक, साहू आपके इनके पिताश्री कहाँ थे, बीजापुर में, ये लोग जितने भी आपके मराठा थे ये बीजापुर का जो सल्तनत था वहां पे ये लोग काम करते थे। फिर बाद में जब यहां से मुगलों का आक्रमण हुआ और इनकी दाल वहां नहीं गली बीजापुर में, तो ये लोग आपके कहां चले आ गए, मराठा आपके महाराष्ट्र में चले आए और वहां पे धीरे से अपना एक साम्राज्य विस्तृत किए जिसे मराठा साम्राज्य बोलते हैं। उसी के समय अपना ये जो मराठा साम्राज्य के शिवाजी हुए ये काफी नाम कमा लिए और इनकी जो युद्ध प्रणाली थी, जो आपके छिपके वार करने वाला गोरिल्ला वार सिस्टम जो इनका था, इससे ये काफी प्रचलित थे। जितने भी मुगल से बीजापुर के साइड में आपके आते थे लोग सेना लेके, धन दौलत लेके, क्योंकि वहां संधि थी, वहां भी उनके सूबेदार रहते थे, तो जो भी कुछ जाता था ये तुरंत एकदम पहाड़ियों में एकदम छिप के रहते थे और तुरंत अटैक करते थे, जो भी धन दौलत था मिलके पहाड़ों में लेके निपट जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कहां से आपका युद्ध हुआ था। मूवी देखे हो गए, आई थी एक, कौन सी आई थी, गोंडवाना वाला किला जो था, तानाजी मनुसराय, ठीक, मूवी अजय देवगन वाली और सैफ अली खान वाली, तो उसमें देखते हो कैसे अजय देवगन क्यों मराठे रहते हैं और कैसे ये पहाड़ियों के बीच में ये लोग लड़ाई लड़ते हैं, वही गोरिल्ला वार सिस्टम है आपका, ठीक, कि पता ही नहीं चलता कि नीचे वाले व्यक्ति को कि कहां से हमला हुआ और कैसे कोई हमारा सामान लेके गायब हो गया, ठीक, तो वही गोरिल्ला वार सिस्टम है आपका। तो मूवी नहीं देखे हो तो देख लेना, कुछ तो ज्ञान वहां से मिल ही जाएगा, ठीक। तो इन पहले क्या किए शिवाजी ने, 56 में मुगलों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया और इन्होंने क्या किया, अहमदनगर और जुनार का किला पर आक्रमण कर अपने वश में कर लिया, जिसके कारण औरंगजेब को लगा कि इसके साथ जो है शक्ति बढ़ रही है, पहले इसे शांत करो, नहीं तो ये क्या कर लेगा, मुगलों के नाक में दम कर देगा। तब क्या हुआ, 60 में जो है दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया, शाइस्ता खान को नियुक्त किया गया, जो बंगाल में था उसे बुला लिया गया, भैया शाइस्ता खान अब तुम्हारा काम जितना था उसने कर दिए बंगाल में, अब आओ इधर थोड़ा महाराष्ट्र के साइड में शिवाजी को कंट्रोल करना वरना जो है हालत खराब हो जाएगी। तो शाइस्ता खान को दक्षिण में आपका 60 में क्या किया जाता है, इनको सूबेदार नियुक्त किया जाता है और शिवाजी पर ये आक्रमण करते हैं, शिवाजी किसी तरह पीछे हटते हैं और जो इन्होंने अधिकार किया था किला वहां पर फिर से शाइस्ता खान आपका अधिकार कर लेता है। लेकिन फिर से शिवाजी, जानते हो छिपके वार करने वाले ये लोग मराठा, क्या करते हैं, 63 में शिवाजी फिर से पूना पे शाइस्ता खान रहता है, रात में हमला कर देते हैं किस पे, शाइस्ता खान का जो किला रहता है जहां पे रहते हैं, और वहां से रात में जब हमला करते हैं एक ही बार पूरे मराठा घुस जाते हैं पूना के किले में,
और सहिस्ता खां को पता ही नहीं चलता है कहां भागे कहां जाए, और किसी तरह अपना जान बचाकर भागता है, और उसी समय जो है अफरा तफरी में क्या होता है, शिवाजी उसका अंगूठा काट देते हैं और किसी तरह अपना जान बचा के वो भाग जाता है। तो फिर से जो है शिवाजी का वर्चस्व जो है बढ़ जाता है वहां पे मराठों के बीच में। फिर औरंगजेब सोचता है अरे भैया बहुत ये दिक्कत करने लगा है, अब किसी और को भेजा जाए। तो भैया वो अपने सबसे काबिल जो है सेनापति जयसिंह को 65 में भेजते हैं कि भैया जयसिंह तुम जाओ और जो ये हैं क्या नाम है आपके शिवाजी इनके साथ कुछ देखो कि किस बेसिस पे मान रहे हैं, कुछ संधि करो तो संधि के बेसिस पे मान जाओ ठीक है, और नहीं मान रहे हैं तो सीधे मार ही दो। जाते हैं जयसिंह और 22 जून 1665 में काफी युद्ध होने के बाद इन दोनों के बीच में जयसिंह और किसके शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है। यहां याद रखो ये क्वेश्चन आपसे यहां से पूछता है पुरंदर की संधि कब होती है, तो डेट भी याद रखो, डेट भी पूछ सकता है आपका। अगर सन पूछता तब तो 65 समझ में आता है, अगर डेट पूछ दे तो वहीं कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों, क्योंकि ऑप्शन होगा सीधे ऐसे 22 जून 1665 और आपका 21 जून 1665, 20 जून 1665, तो क्या कर लोगे जब तक एग्जैक्ट नहीं पता रहेगा। तो याद रखो 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है, जयसिंह आपके औरंगजेब की तरफ से रहते हैं और यहाँ शिवाजी के बीच में ठीक। और इस संधि में क्या करना होता है कि भैया कमजोर तो कमजोर, कमजोर कौन आपके शिवाजी, क्योंकि मुगल शासक तो बहुत सैनिकों के साथ होते हैं, तो कमजोर होने के कारण इन्हें यह संधि करनी पड़ती है कि इन्हें अपने 23 किलो जो है आपको किसे देना पड़ता है, औरंगजेब को देना पड़ता है ठीक है। इसी किलो में आपके कोंडवाना का किला भी रहता है, और मूवी में आप देखते हो कैसे उनकी जो माँ होती है बोलती है कि चप्पल हम तभी पहनेंगे जब कोंडवाना पर फिर से विजय होगा, और अजय देवगन जो है आपके मूवी में दिखाया गया है जो तानाजी मानुसराय बोलते अकेले जाते हैं और वहां पे पूरे मुगल सैनिक को हराकर फिर से कोंडवाना का जो किला है वो जीत जाते हैं ठीक है ठीक। तो वो इसी किलो में उनको भी दे दिया गया था, और इसके किलो के लिए काफी लड़ाई चली थी शिवाजी में, हम वो पढ़ेंगे जब मराठा पढ़ेंगे तब, और शिवाजी मराठा और औरंगजेब मुगलों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, वहां पे हम बात करेंगे तानाजी मानुसराय की और शिवाजी के जितने भी आक्रमण हुए थे उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम औरंगजेब को देख रहे हैं तो थोड़ा ऊपर ऊपर शिवाजी के बारे में जिक्र करते हुए निकल जाएंगे। 23 किले अपना ये दे दिए, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया इनसे कि भैया शिवाजी आप हमें बीजापुर और गोलकुंडा विजय के लिए आप अपना सेना जो है हमें देंगे और उनमें सहायता करेंगे, मान जाते हैं भैया ठीक है चलो हमें जीने खाने दो हम मान जाएंगे। 22 मई 1666 में शिवाजी आगरा के किले के दीवाने आम में जो है इन्हें बुलाया जाता है और इन्हें आदर सम्मान नहीं मिलता है, जिसके कारण ये विद्रोह कर देते हैं, मतलब वहीं खड़ा होकर बोलने लगते हैं ऐसा कैसे हमारे साथ तुम कर दिए औरंगजेब, हम जो है मराठों के सरदार हैं। अब औरंगजेब तो औरंगजेब आलमगीर नाम से वो पदवी जो है आपका बैठा रहता है, और उसे भी क्या करता है इनको कहता है इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, दरबार में ही कहता है और वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर बाद में किसी तरह ये शिवाजी है वहां से छुटकर भागते हैं और 74 में अपना राज्याभिषेक कराते हैं, वहीं पे छत्रपति की जो है उपाधि लेते हैं, तो फिर से इनको मुगलों के साथ विद्रोह शुरू हो जाता है, वो बाद में हम जिक्र करेंगे जब मराठा पढ़ाएंगे। अभी ध्यान रखो कि 66 में जब ये आते हैं तो यहाँ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब गिरफ्तार करने के बाद जो है ये तो अपना सहायता देंगे नहीं जो है आपके बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने में, क्योंकि वहीं इनका मतभेद हो गया औरंगजेब के बीच, इसीलिए तो गिरफ्तार कर लेता है, पता चले बीजापुर वाले और गोलकुंडा के साथ मिलके कहीं हमारे ऊपर ही ना उल्टा सो है अटैक करा दे। तो शिवाजी तो आपके गिरफ्तार हो चुके हैं, अब बारी आती है बीजापुर और गोलकुंडा की। तो बीजापुर में पहले तो 1676 की बात है, सूबेदार दिलेर खां को बीजापुर भेजा जाता है और वहां के बीजापुर के मंत्री रहते हैं एक सिद्धि मासूद, इनके साथ मिलकर संधि हो जाती है और ये संधि कुछ समय तक चलती है, लेकिन जैसे ही क्या होता है फिर बाद में विद्रोह हो जाता है और संधि टूट जाती है। फिर से औरंगजेब क्या करता है 22 सितंबर 1686 को वहां के जो अंतिम रूलर होते हैं आदिल शाह सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ठीक है, बीजापुर के अंतिम रूलर आपके सिकंदर आदिल शाह जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। पहले कुछ दिन तक आपके चलता है क्या संधि चलती है, बाद में फिर अटैक होने के कारण कई अटैक होने के कारण जो आपके आदिल शाही सुल्तान होते हैं सिकंदर आदिल शाह वो इन सब को देखते हुए
आत्मसमर्पण कर देते हैं औरंगजेब के दरबार में, और औरंगजेब के दरबार में उन्हें क्या रख दिया जाता है, काफी स्वागत किया जाता है और उन्हें 1,00,000 पेंशन, वार्षिक पेंशन पर रख दिया जाता है, मनसब बना दिया जाता है। ठीक उसके बाद से उनकी कुछ आयु जो है कम रहती है, जो 32 साल के ही उम्र में ही क्या हो जाते हैं, आपके आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। और ये कहे रहते हैं कि औरंगजेब से, भैया कि जहां मुझे दफनाना वहां जहां मेरे गुरु कौन शेख फरमुल्ला का कब्र है। ठीक ये आदिल शाह कह रहते हैं कि भाई औरंगजेब मरने के बाद मुझे वहां दफना देना जहां मेरे गुरु शेख फहीमुल्ला का कब्र है। तो ऐसे करते हुए औरंगजेब क्या करता है, इनको फहीमुल्ला के कब्र के पास दफनवा देता है। यहाँ इनका बीजापुर का जो है चैप्टर क्लोज हो गया और बीजापुर एक तरह से कह सकते हो मुगलों के शासन में आ गया। ठीक मुगल साम्राज्य में समाहित हो गया। अब आती है बात गोलकुंडा की। ठीक है गोलकुंडा आपका उस समय का जो है आज के समय का हैदराबाद है, प्रेजेंट टाइम का ये क्या है, हैदराबाद है गोलकुंडा। ठीक अब यहां पे अटैक करना होता है तो औरंगजेब 1686 में शाहजादा शाह आलम को, शाह आलम कौन आपके मुअज्जम, इन्हें नाम जानोगे, औरंगजेब का पुत्र होता है शाह आलम, मुअज्जम भी इसे बोलते हैं और बहादुर शाह प्रथम भी शाह आलम को ही बोला जाता है। ठीक याद रखो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी तो राजा यही बनेंगे अपने भाइयों को मारकर। भाइयों के साथ विद्रोह किससे सीखा उसने, औरंगजेब से सीखा। औरंगजेब भी तो अपने भाइयों को मारा था, तो सेम उसी तरह शाह आलम भी अपने भाइयों को मारकर ठीक है क्या करेंगे, गद्दी पर बैठेंगे 1707 में। वो बात करेंगे हम 1707 के समय, अभी तो यहां है कि शाहजादों को भेजा था गोलकुंडा आक्रमण करने के लिए। इन्होंने गोलकुंडा साम्राज्य को मिलाकर आक्रमण तो किया, इनके साथ संधि हुई, मतलब पूर्ण रूप से जो है समाहित नहीं हुआ गोलकुंडा। तब क्या होता है कि औरंगजेब खुद ही आपके 87 में औरंगजेब खुद गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए आते हैं और 8 महीने घेरा डालते हैं गोलकुंडा के किले का। कोई चीज इनके अंदर जो है लगती नहीं है सफलता, ऐसा लगता है कि सफल नहीं हो पाएंगे। तब एक समय आता है कि एक सैनिक को, गोलकुंडा के एक सैनिक को बोल सकते हो, मतलब सैनिक क्या सेनापति को ही मान लो, सेनापति जिसका नाम था अब्दुल लगानी, ठीक है अब्दुल लगानी, उसको क्या करते हैं लालच देकर कि भैया आ जाओ हमें बता दो कैसे हम किले के अंदर घुसे तो हम तुम्हें फला जगह का सूबेदार बना देंगे। लालच बहुत बुरी बला होती है, ये पहले भी लोग कहते रहते और यही हुई। ये लालच में आ गया और इसने क्या किया, दरवाजा खोल दिया गोलकुंडे के किले का और मुगल सैनिक जो बाहर इतने दिनों से इंतजार कर रही थी वो सीधे गोलकुंडा के अंदर प्रवेश कर गई और भीषण युद्ध हुआ और गोलकुंडा के राजा जो है आत्मसमर्पण कर दिए। और इसी तरह गोलकुंडा जो है 87 में कह सकते हो कि मुगल साम्राज्य में समाहित हो गया। ठीक तो ये गोलकुंडा बीजापुर तेलंगाना। तो आपसे कहा जाए औरंगजेब के समय में टोटल 24 सूबे थे, सूबा मतलब 24 प्रांत था, जिसमें से एक प्रांत आपका कहां था, अफगानिस्तान में था, 14 आपके नॉर्थ इंडिया में था, उत्तर भारत में था, और 6 प्रांत आपके जो थे वो साउथ के तरफ में थे, जिसमें से आपका बीजापुर गोलकुंडा तेलंगाना बरार ये सब आपके साउथ के जो है आपके इनके क्या थे, सूबे थे। सूबे क्या होता था मैंने बताया है, देख लेना जब प्रशासन मैंने शेरशाह सूरी का बताया था तो बताया था सूबे को आपके जो प्रांत होते थे उनको सूबे में वो किया जाता था, छोटे छोटे प्रांतों में तो वो सरकारों में डिवाइड किया जाता था सूबे को, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप सब देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है आपका 1680 के अप्रोक्स में, और इनके मृत्यु के बाद क्योंकि वो भाग के आते हैं फिर से विद्रोह करते हैं, ऐसा नहीं गिरफ्तार हुए रहते हैं 74 में या अपना राज्याभिषेक कराते हैं और छत्रपति का जो है उपाधि लेते हैं, और उसके बाद से विद्रोह होता है, काफी इनके बीच में मुठभेड़ होता रहता है और मुगलों और आपके मराठों के बीच में। 80 में इनका देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद इनके पुत्र जो है क्या होते हैं, सांभाजी जो है आपके मराठों का राज्य जो है संभालते हैं और ठीक। तो अब सांभाजी जो है मराठों के सरदार बन जाते हैं। अब सरदार बनने के बाद इनकी भी जो है क्या होती है, मुगलों के साथ पटती नहीं है, इनकी भी जो है झगड़ा होता ही रहता है। 89 तक सांभाजी के गुरु और बोल सकते हो सांभाजी के मंत्री एक कवि होते हैं,
ठीक है, कवि जिनका नाम क्या था, कलश और सांभाजी, 1689 में औरंगजेब से मुठभेड़ होती है और ये लोग, इनका क्या हो जाता है, मुगलों से मुठभेड़ होता है और सांभाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी के समय में आपका, मैं 80 की बात कर रहा हूं, 1681 में ही औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं आपके अकबर फर्स्ट, वो विद्रोह कर देते हैं अपने पिता के खिलाफ। अब विद्रोह करने के बाद वो कहां चले आते हैं, आपके साउथ में मराठों से हेल्प मांगने चले आते हैं और उसी समय ये सांभाजी उनके हेल्प में करते हैं और वहां से वो क्या करता है, अकबर फारस की तरफ भाग जाता है। ये हम देखेंगे अभी जब उनका विद्रोह पढ़ेंगे कि कैसे औरंगजेब के खिलाफ कौन कौन लोग विद्रोह किए थे। ठीक तो उसके वजह से जो सांभाजी के पुत्र होते हैं साहू जी, उनको क्या करता है, औरंगजेब गिरफ्तार कर लेता है, जिसे बाद में चलकर आपके जो शाह आलम बहादुर शाह प्रथम है 1707 में वो उन्हें रिहा करते हैं, क्योंकि रिहा करने का उनका मेन मकसद यह था कि वो जो उनके पिता श्री कर गए थे सबके साथ बैर, उसे खत्म करना चाहते थे, वो सबसे मेर मिलाप की नीति अपनाना चाहते थे जो आपके अकबर ने शुरू किया था। उस टाइप से कुछ ये सोचते थे कि हम अगर मेल मिलाप की नीति अपना लें तो हमारा भी शासन जो है एक अकबर की तरह महान बन जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, उसके लिए बहुत बलिदान देना पड़ता भाई अकबर की तरह राजा बनने के लिए। तो ऐसा हुआ, मैंने बता दिया कि आपके अकबर यहाँ पे जो फर्स्ट थे औरंगजेब के पुत्र, वो भी विरोध आपके विद्रोह करके इधर भागते हैं और साहू जी उन्हें संरक्षण देते हैं। अब बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता साहू जी को, आगे देख लेंगे और बाद में बाकी और इनके बाद देखते हैं, इनके विद्रोह को देख लेते हैं। सब कुछ इनके कब्जे में हो चुका है, मराठा भी शांत हो चुके हैं, शिवाजी मर चुके हैं, ठीक, और साहू जी और आपके क्या नाम है सांभाजी की मृत्यु हो चुकी है और साहू जी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बचे राजा राम, ठीक है, आपके सांभाजी के कौन भाई, और राजा राम भी का विद्रोह चलता रहता है छोटा मोटा मुगलों के खिलाफ, ठीक, उतना मायने नहीं रखता है। अब आ जाते हैं औरंगजेब के खिलाफ जो और भी विद्रोह हुए, ये तो हमने साउथ के बारे में देख लिया, बीजापुर गोलकुंडा मराठों के बारे में देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्थ में नहीं विद्रोह हुआ, नॉर्थ में भी हुआ। ठीक है, वो कौन कौन से विद्रोह थे अब देखते हैं। पहला था विद्रोह आपका जाटों का विद्रोह था, ठीक, जो आपके जाट थे कहां के पास के, आगरा और दिल्ली के पास, यही तो जाट है, मेरठ हुआ, आगरा हुआ, हरियाणा, इन सब जगहों पर किसका देखोगे, कहां क्या मिलेंगे आपके, जाट ही तो मिलेंगे। तो यहां के जाट लोग जो थे वो क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए, और इनका सपोर्ट कौन कर रहा था, इनका सपोर्ट जो है एक बोल सकते हो सतनामी जो होते हैं वो लोग कर रहे थे। तो पहला जाटों का विद्रोह हुआ और ये किस लिए होता है, ये आर्थिक कारणों से होता है, औरंगजेब की जो नीतियां थी उसके कारण से होता है। ये क्या किया, मेनली फोकस हो गया मुसलमानों पर, ठीक, जिसके कारण हिंदुओं का दोहन होने लगा और इन्हें आर्थिक रूप से भी जो है कष्ट हुआ और धार्मिक रूप से भी कष्ट हुआ, ये कह सकते हो, जिसके कारण इन्होंने पहले क्या किया, विद्रोह किया। अब विद्रोह को 1669 में मथुरा के क्षेत्र में जाटों का एक स्थानीय जागीरदार था जिसका नाम था गोकुला, चाहे गोकुल कुमार बोल सकते हो, इनके नेतृत्व में जाट का मेन जो है आपका बोल सकते हो कि विद्रोह सामने आया और बाद में मुगलों की सेना जो है इनके साथ युद्ध लड़ती है। जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है, तिलपत का युद्ध होता है। तिलपत के युद्ध में हसन अली खां जो है आपके गोकुल कुमार को क्या करते हैं, जाटों के जो सरदार होते हैं उनको परास्त कर देता है और इस तरह से ये वाला जो विद्रोह होता है आपका थोड़ा शांत हो जाता है। फिर बाद में चलकर 1685 में, ठीक है, राजा राम के नेतृत्व में जाटों का दूसरा विद्रोह होता है। किसके नेतृत्व में, पहला तो हुआ, एक थे आपके जमींदार गोकुल कुमार, गोकुला नाम था उनका, चाहे गोकुल नाम था, दोनों अलग अलग मिलेगा अलग अलग किताबों में आपको, उनके नेतृत्व में होता है। और तिलपट के युद्ध में कौन, हसन खलीक अली खां, ये आपके मुगल सेनापति थे, इनसे इनका युद्ध होता है और परास्त हो जाते हैं आपके गोकुला। उसके बाद से 85 में फिर से राजा राम आते हैं एक और आपके जाटों का नेतृत्व करने और ये विद्रोह कर देते हैं। ये कई युद्ध, कई जगह जो युद्ध करते हैं, छापामार युद्ध, गोरिल्ला वार सिस्टम है, छापामार युद्ध ये भी करते हैं। और ये उसी छापामार युद्ध के समय क्या करते हैं, जो अकबर का जो बोला जाए एक तरह से 1688 में
अकबर का जो मकबरा होता है वहां पे जाते हैं, काफी लूटमार करते हैं और उनकी हड्डियों को निकाल कर जला देते हैं। इन सबको देखते हुए औरंगजेब बहुत जो है गुस्सा में आता है और 1688 में जो है राजा राम की मृत्यु हो जाती है और उनका जो है विद्रोह होता है जो है मुगल सेनों के साथ, इनकी लड़ाई में 88 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके भतीजे जो होते हैं चूरामन ने जाट के नेतृत्व की बागडोर संभाली और औरंगजेब की मृत्यु तक ये विद्रोह करता रहा। ठीक, राजा राम का ही भतीजा चूरामन था जो फिर से क्या हुआ, जाटों का सरदार बना और विद्रोह हमेशा जो है आपका जारी रखा और ये विद्रोह हमें छोटा मोटा विद्रोह होता रहा, बहुत बड़ा नहीं था, नहीं तो औरंगजेब इनको भी मरवा देता। ठीक, और यह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहता है ऐसा ही। ऐसे करते करते वो किसी तरह एक प्रांत को भरतपुर को स्वतंत्र करा पाता है। ठीक, कौन, चूरामन। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा आपका विद्रोह किया जाता है एक तरह से सतनामी लोगों के द्वारा। ये सतनामी कौन थे, ये सतनामी और कोई नहीं, एक छोटे कबीले के लोग थे, कष्टकार लोग थे, किसान भी बोल सकते हो, जो सत्य और ईश्वर पर विश्वास रखते थे। किस पर, सत्य और ईश्वर पर विश्वास रखते थे। इन लोगों ने धार्मिक नीतियों के कारण औरंगजेब के क्या किया, 1672 में विद्रोह कर दिया। धार्मिक नीति और आर्थिक नीतियों के कारण क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इन्हें सतनामी को और भी एक नाम से जाना जाता है, हमें इतिहासकार में हम जानते हैं उन्हें मुंडिया भी कहते थे। मुंडिया क्यों कहते थे, क्योंकि अपने शरीर में जो भी बाल होते थे उन्हें मुड़वा कर रखते थे, इस वजह से इन्हें मुंडिया कहा जाता था। ठीक है, तो ये लोगों ने भी विद्रोह किया, इनको विद्रोह को भी जो है दमन कर दिया गया मुगलों के द्वारा। ठीक, और इसका अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि सतनामी जो पंथ था, एक पंथ हो गया, इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 1657 में हुई थी, नारनौल नामक स्थान पर हुई थी। कहां पे हुई थी, नारनौल नामक स्थान पे हुई थी। याद रखना, सतनामी पंथ की स्थापना 1657 में आपके कहां, नारनौल नामक स्थान में हुई थी। अब अगला विद्रोह जो होता है आपका, वो होता अफगानों के द्वारा, जो अफगानी थे। अफगानी ये कौन थे, बहुत पहले से ही अफगानी आके बसे हुए थे, तो वो अफगानी विद्रोह और भी पूर्ण है। सो आपके शेरशाह सूरी भी अफगान का था, वो भी विद्रोह अफगानी ही था। ऐसे ही उन्हीं के वंशज से ही आपके अफगान के मतलब रह गए, तो ये अफगानी भी आपके विद्रोह करते हैं। कहां करते हैं देख लो। सो 1667 में यूसुफजाई कबीले पश्चिमोत्तर क्षेत्र के एक सरदार भागू, कौन, सरदार भागू जो है शाही खानदान का वंशज होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति, ठीक है, जो मतलब अफगान खानदान का हो, कौन, मोहम्मद शाह, किसी व्यक्ति को कहता है, ये जो एक मोहम्मद शाह होते हैं कहता है ये अफगान वंश का है। ठीक, और इसी को राजा घोषित करके और स्वयं को, कौन, भागू, सरदार जो भागू होता है इसका दिमाग रहता है, स्वयं को उसका क्या कर देता है, वजीर घोषित कर देता है। ठीक, एक इंसान को पता कहता है कि मोहम्मद शाह ये किसके वंशज हैं, ये अफगानी वंशज है और मैं इनका जो वजीर हूं, और इस चलते वो कहता है कि अपने राज्य को स्वतंत्र करने के लिए विद्रोह कर देता है मुगलों के खिलाफ। और यहां पे क्या होता है, फिर अमीर खां आता है मुगल सेनापति, वो इनके विद्रोह का क्या करता है, दमन कर देता है। तो ऐसे छोटे छोटे विद्रोह आपके होते रहे। 72 में फिर अफगानों के एक जो है अफरीदी सरदार अकमल खां के नेतृत्व में अफगान विद्रोह शुरू होता है। ठीक, बाद में जाके इसे भी अपने आपको राजा घोषित कर लेता है, अपने नाम के सिक्के चलवाता है, खुतबा पढ़वाता है। ये सब देख के औरंगजेब जो है क्या करता है, 1675 में खुद इनके खिलाफ जो है आ जाता है। 75 में औरंगजेब खुद रणभूमि में, क्योंकि ये अपने आप को क्या मान लिए, राजा मान लिए, और अपने आप से सिक्का चलवाने लगे, खुतबा पढ़वाने लगे, तो 75 में औरंगजेब इनका सामना करता है और इन्हें भी क्या करता है, हरा देता है। ठीक, और ये विद्रोह भी आपका क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। उसके बाद से विद्रोह होता है बुंदेलों का विद्रोह, बुंदेलखंड जो आपका सब इस समय है वहां पे जो लोग रहते हैं उनका जो है विद्रोह शुरू होता है, जिसमें से पहले बार संघर्ष करता है एक मधुकर शाह नाम का जो शासन रहता है वहां का बुंदेली शासक मधुकर शाह, वो इनके खिलाफ मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देता है। ठीक, उसके बाद से इसका जब दमन होता है तो उसी का जो आपके बुंदेल के ही सरदारों में से एक तरह से दारा के समय, जब दारा और औरंगजेब के बीच में लड़ाई हो रही थी
उत्तराधिकारी का युद्ध जब हो रहा था उसी समय एक चंपत राय नाम का व्यक्ति बुंदेली व्यक्ति था, ठीक, ये औरंगजेब की सहायता करता है। कौन? चंपत राय औरंगजेब की उत्तराधिकारी युद्ध में सहायता करता है, जिसके कारण औरंगजेब ने जो है इसको 5,000 का मनसब देकर जो है मुगल दरबार में रख देता है। और चंपत राय का बात जो है औरंगजेब से कुछ बिगड़ जाता है, भैया पैसे वैसे की बात है, जब ये इसको शासक बनवाया दारा से युद्ध में, इस चंपत राय ने इनका साथ दिया और औरंगजेब जब शासक बन गया तो सिर्फ 5,000 का मनसब बना के इन्हें रख दिया। और इनके धन में वृद्धि होने लगती है तो भैया पैसा किसी का नहीं होता है, और इसी कारण चंपत राय और औरंगजेब में कुछ मतभेद हो गया और 61 में चंपत राय ने मुगलों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। बाद में ये भी कहां तक विद्रोह कर पाएंगे जानते तो ये भी सब कुछ थे, सच्चाई से कोई बात जो है आप झुठला नहीं सकते सच्चाई को, कि मुगल से कोई जीत नहीं सकता था उस समय तक। तो चंपत राय भी क्या हुआ, धीरे से अपना क्या हुआ, उनका अधीनता स्वीकार कर लिए। उसके बाद चंपत राय की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्र कौन होते हैं, छत्रसाल, ये बुंदेल का जो है आपका सरदार बनता है और इसका भी जो क्या होता है औरंगजेब के खिलाफ जो है ये भी विद्रोह अपना कायम रखता है। 1705 की बात है, छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली, ठीक, लेकिन ये संधि काफी दिनों तक नहीं चली और इसे 400 का मनसब प्रदान किया गया था, ठीक, बुंदेल का राजा बना के इसे 400 का मनसब प्रदान किया गया था, मगर ये संधि काफी दिन तक नहीं चली। और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो खुद ही आपके बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम के नाम से हम लोग जानते हैं, इनके साथ बुंदेलों के साथ मित्रता का व्यवहार करने के लिए, मित्र बनवाने के लिए इन्हें क्या कहता है कि भैया आप स्वतंत्र शासक बन जाओ, हम आपको आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रखेंगे, ठीक। तो उसी समय 1707 में ये आपके जो छत्रसाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र शासक बन जाते हैं बुंदेल के, ठीक। तो चलिए वो तो 1707 की बात है, आ जाते हैं अगला। शहजादा अकबर का विद्रोह मैंने जिक्र किया था अभी, उससे पीछे जब पढ़ा रहा था मैं आपको, कब आपके संभाजी और साहू जी को जब मैं पढ़ा रहा था, तो संभाजी के समय में जो ये अकबर का विद्रोह करता है इनके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, तो वो भाग के कहाँ आता है, मराठों के बीच में आता है, तो वहीं संरक्षण प्रदान करता है, तो जिसके कारण जो है साहू जी गिरफ्तार होते हैं। तो देख लो क्या हुआ था कि मेवाड़ के शासक, ठीक, मेवाड़ के शासक मारवाड़ के राठौर के सहयोग से अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। और ये पुत्र और पिता के साथ विद्रोह वाला जो समय है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। कब से चलता आ रहा है, अकबर के समय से, अकबर जब राजा था तभी उसके पुत्र शेखू बाबा, जिसे बहुत प्यार लाड प्यार से अकबर पुकारता था, उसने विद्रोह कर दिया, ठीक, जिसे आप जहांगीर के नाम से जानते हो, ठीक। जब जहांगीर ने विद्रोह कर दिया उसके बाद से आपके उसके शासनकाल में आप देखे खुसरो का विद्रोह हुआ, जहांगीर के पुत्र खुसरो का विद्रोह हुआ, फिर खुर्रम का विद्रोह हुआ, तो ये सब आपका क्या हुआ, एक तरह से हेरिडिटी में चलता है, आपके बेटा जो है पिता के खिलाफ क्या करेगा, विद्रोह करेगा। तो बात यहां भी वही हुई, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने भी विद्रोह कर दिया 11 जनवरी 1681 को, अपने आप को स्वतंत्र राजा मान लिया। और इसे जब 1681 में अजमेर के निकट औरंगजेब पर आक्रमण किया तो यह असफल हुआ, अजमेर में आक्रमण हुआ दोनों बाप बेटों में और यह असफल हुआ, और यहां से भागता हुआ ये कहां पहुंच गया, सांभाजी के चरण में पहुंच गया, ठीक। अब इसको देख के औरंगजेब ने अपनी सेना कहां भेज दी, मराठों के पास भेज दी कि भैया ये देखो ये और जो आपका अकबर है ये अभी से विद्रोह कर रहा है, तो अभी बाद में क्या होगा, ये मुझे ही मार देगा। तो यहां से भी नहीं रुकता है आपका कौन, अकबर, और ये भाग जाता है कहां, फारस, ईरान की तरफ रुक कर जाता है। और इसी में क्या हो जाता है, जब मुगल सेना आती है तो सांभाजी से भिड़ती है और सांभाजी की मृत्यु हो जाती है और साहू जी को उठा कर ले जाकर गिरफ्तार कर देती है, जिसे बाद में आपके कौन, बहादुर शाह प्रथम जो है रिहा करते हैं, ठीक। तो ये आपके बाद में क्या हो जाता है, ये फारस चले जाते हैं और फारस में ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है अकबर की। तो अकबर के ही शासन काल में, सॉरी, औरंगजेब के ही शासन काल में 5 इनके आपके बेटे होते हैं, जिसमें से आपका अकबर होता है एक, अकबर फर्स्ट इसका नाम होता है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है, एक सुल्तान नाम रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, बाकी बचते हैं आपके कौन, 3 बचते हैं, ठीक। तो मुअज्जम, कालबख्श,
ठीक है, आजम, ये चाप के तीन बचते हैं और तीनों में 1707 के बाद लड़ाई शुरू होती है, उसे हम आपके अगले उसमें देखेंगे। अब आ जाते हैं पुर्तगाली भी जो हैं, वो भी आपके क्या करते हैं, इनको भी थोड़ा ताकत मिलती है, जब हर जगह विद्रोह होता था ये भी विद्रोह कर देते हैं, बोलते हैं जैसे होता है ना, तीन चार लोगों को मारते रहो तो और भी कोई आके तुरंत अपना हाथ साफ कर लेता है, तो वैसे इसमें भी होता था, जब विद्रोह होना शुरू होता था लाइन से, तो एक तरफा एक लाइन से विद्रोह शुरू हो जाते थे कि अरे ये करना है तो हम भी कर ले, देख ही देखा, मगर होता कुछ नहीं था, सबको निपटना ही होता था। तो 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली जगह है वहां से बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। लास्ट आपका बोला जाता है कि सिख विद्रोह होता है, और सिख विद्रोह क्यों हुआ है, और इस विद्रोह को पूर्ण रूप से बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यह धार्मिक विद्रोह था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की जो नीति थी ना वो बहुत बेकार थी, जिसके कारण आप कह सकते हो कि औरंगजेब को ठीक कि यहां पे आपके जो सिख थे इनका और औरंगजेब का ये हमेशा टकराव चलता रहा, किस लिए लेके चलता रहा, क्योंकि इसका जो मेन मकसद था वो भारत के हर एक व्यक्ति को क्या चाहता था कि वो आपका मुस्लिम बन जाए, इस्लाम धर्म को अपना ले, जिसके कारण जो है आपके जो सिख गुरु थे, नौवें गुरु कौन तेग बहादुर, इसका अपोज किए थे। ठीक है, और यही नहीं, काफी लोगों ने हिंदुओं में भी कुछ राजपूत भी जो थे वो भी इसकी इस धार्मिक नीति से, ये चाहता था कि कोई जो है आपके धर्म का प्रचार, हिंदुओं के धर्म का प्रचार प्रसार ही ना हो, सिर्फ इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, इसीलिए अपने ये जो अपना शासन बनाया था ये कुरान के बेस पे, ठीक है, कुरान का जो शरीयत होता है उसके बेस पे अपना शासन चला रहा था। ठीक, तो ये आपका इसी धार्मिक कारणों के कारण कि ये तेग बहादुर को कहता है कि आप जो आपके नौवे गुरु होते हैं सिख के, गुरु तेग बहादुर, कि आप क्या करो, इस्लाम धर्म अपना लो। ठीक, मगर तेग बहादुर क्या करते हैं, अपोज कर देते नहीं, और इस पे औरंगजेब गुस्सा हो जाता है और इन्हें मृत्युदंड दे देता है 1675 में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं औरंगजेब के नीतियों के खिलाफ थे। तो ये जानते थे औरंगजेब कि अगर मैंने इसे मारा नहीं तो ये एक बहुत बड़ा विद्रोह हमारे साम्राज्य में जो उत्पन्न कर देगा, और इसी तरह इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका इनके जो पुत्र 19 साल के मात्र रहते हैं, जिनका नाम रहता है गुरु गोविंद सिंह, तो आपके 10वें गुरु होते हैं सिखों के गुरु गोविंद सिंह, ये जब बैठते हैं तो आपके औरंगजेब मतलब मुगलों के साथ इनका तनबन हमेशा रहता है, धार्मिक नीति को लेकर काफी लड़ाइयां लड़ते हैं, और यही जो आपके गुरु गोविंद सिंह होते हैं गद्दी पर बैठने के बाद एक तरह से बोल सकते हो धर्म गुरु की जो व्यवस्था थी वो खत्म कर देते हैं कि हाँ मेरे के बाद मेरे पुत्रों को जो है पदवी मिलेगी, क्योंकि अब इनके पुत्र तो बचे ही नहीं रहते हैं, चार पुत्र होते हैं, बोला जाता है कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को मरवा दिया था, तो पुत्र तो कोई रहता नहीं है। ठीक, तो इस वजह से ये गद्दी क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं कि अब कोई धर्म गुरु वाला सिस्टम नहीं चलेगा। और यहीं पे इन्होंने क्या किया, सिखों का एक रेजिमेंट तैयार किया, एक सैनिक तैयार किया युद्ध लड़ने के लिए, जिसे आप लोग खालसा के नाम से जानते हो। ठीक है, और वो कट्टर्स आपके सिख कहलाएं जो मुस्लिमों से हमेशा जो है लड़ते रहे, खालसा। और उस खालसा में आपके 4K फोर का जो आपके आते हैं, उन खालसा को वहीं से सिखों को सिंह लगाने का जो है एक तरह से बोला जाए कि दिया गया कि आप अपने नाम के आगे सिंह लगा सकते हो। ठीक, जैसे गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर सिंह। ठीक, तो ये सिंह लगाने का कब हुआ, ये गुरु गोविंद सिंह के बाद हुआ, और इन्होंने खालसा का जो है एक तरह से खालसा सैनिक का जो है निर्माण किया कि वो जो है एक तरह से युद्ध लड़ेंगे। उस खालसा सैनिक में ये कहा गया कि जो खालसा सैनिक होंगे वो कृपाण, ठीक है, और केस, ठीक, और कंघा, इन सभी को रखेंगे। क्या, तो ये खालसा किसकी जननी है, गुरु गोविंद सिंह ने इसे इसका निर्माण किया था। अब जो है हम इसके बाद में आपका जो गुरु गोविंद सिंह है 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1707 में आपके औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1708 में
इनकी मृत्यु हो जाती है और 8 के बाद ठीक इनके जो शिष्य होता है, एक तरह से बोला या इनका जो शिष्य ही मान सकते हो इनके समय में, बंदा बहादुर, वो जो है इस खालसा रेजिमेंट को चलाता है। और बंदा बहादुर को फिर फर्रुख सैयर के समय में मार दिया जाता है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। औरंगजेब की इन नीतियों के कारण इनकी दूरदर्शिता जो है ठीक नहीं थी, ठीक धार्मिक नीतियों पर ज़्यादा अपने इस्लाम धर्म पर ज़्यादा जोर दिया, जिसके कारण जो है इनका साम्राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ता गया। और ये अपना जो लास्ट में दक्कन की तरफ जो अपना युद्ध कर रहे थे, उसी अभियान में कह सकते हो औरंगजेब की जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो कब होती है आपकी, 1707 में 3 मार्च को, ठीक है। दक्कन में विद्रोह चलता रहता है, उसी समय ये अपना मुगल सेना लेके भिड़े रहते हैं सबसे, और 3 मार्च को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद औरंगजेब के शव को जो है कहाँ रख दिया जाता है, दौलताबाद में दफना दिया जाता है, ठीक है। कहाँ दफना दिया जाता है, दौलताबाद में दफना दिया जाता है। और इसी तरह इनका जो है चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है, ठीक। औरंगजेब की तो धार्मिक नीतियां थी, उस अभी जब मैंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के बारे में बताया कि उसकी ऐसी क्या धार्मिक नीतियां थी कि जिसके कारण इतने विद्रोह हो गए, ठीक, उसको धर्म को लेकर। और बाद में इसी धर्म धार्मिक नीतियों का ही इतिहासकारों ने यह कारण बताया कि मुगलों का पतन था, ठीक। लोगों के डिफरेंट डिफरेंट थॉट रहे कई इतिहासकारों के, लेकिन इसकी धार्मिक नीतियां भी उसका एक कारण रहा। तो उसके धार्मिक नीतियों को देख लेते हैं क्या ऐसा था। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था, जिसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान के शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। जो मैंने बताया ना, सेम कौन सा कौन यूज करता है आपका, दिल्ली सल्तनत में यही कॉन्सेप्ट यूज करता है आपका फिरोज शाह तुगलक। वो भी क्या करता है कि कुरान के शरीयत को, जो कुरान में शरीयत लिखा गया है, जो कानून व्यवस्था लिखी गई है, एक तरह से जो एक्ट बनाए गए हैं, उसको अपने शासन में लाने के लिए कि उसके हिसाब से हम शासन चलाएं, उसके कानून के हिसाब से यहाँ पे लोगों पे जो है जबरदस्ती कराएं, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं से महंगा पड़ी। फिरोज शाह तुगलक को भी महंगा पड़ी थी और औरंगजेब को भी पड़ी थी। इससे ये होता था कि इसके जो वर्ग के लोग होते थे वो काफी खुश होते थे, जो आपके मुस्लिम आपके अमीर लोग होते थे उनको ये लगता कि नहीं, इसके अंदर जो है इस्लाम जो कूट कूट के भरा है, ठीक है, ये इस्लाम को ज्यादा महत्व दे रहा है। और ऐसा था भी कि ये धर्म को ज्यादा महत्व देता था अपने जो है शासन में, अपने जो राजा बना था उसका महत्व इसके नजर में कुछ नहीं था। जिसके कारण देखिए कि औरंगजेब का मेक लक्ष्य क्या था कि जो भारत देश है वो दार उल हर्ब का देश है, जिसे दार उल हर्ब मतलब काफिरों का देश है, और इस काफिरों को देश को हमें किसमें कन्वर्ट करना चाहते थे, वो हमें दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे, इस्लाम में से देश में करना चाहते थे। जैसे आज के समय में आपके ईरान इराक अरब देश हैं, वैसे ही औरंगजेब का था मकसद कि भारत को भी क्या किया जाए, मुस्लिम देश में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस्लाम देश की तरह इसे भी बना दिया जाए। इसीलिए इसने सबसे ज्यादा जोर डाला था धर्म परिवर्तन पे, जो लोगों से जबरदस्ती जो है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहता था, और जो लोग विद्रोह करते थे उन्हें साफ जो है क्या करता था, खत्म करा देता था। यही नीति थी आपके दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक की। वो एक हिंदू होते हुए भी इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की माँ तो हिंदू थी, और हिंदू होते हुए भी फिरोज शाह तुगलक ने ऐसी कट्टर नीति अपनाई, मतलब शरीयत का कानून लागू कर दिया, और जो लोग मुस्लिम नहीं बनना चाहते थे अगर उसे मुस्लिम बनाना चाहता था, जो अगर मना करते थे उनको क्या करता था, सर धड़ से अलग करा देता था, ठीक। तो वो तो एक तरह से हिंदू होकर ऐसा मतलब मुस्लिमों का फेवर किया, क्यों किया उसमें मैंने बताया आपको, क्योंकि वो डरता था कहीं जो आपके अमीर जो मुस्लिम तब के लोग हैं वो ये सपना करने लगे कि ये हिंदू है तो हो सकता है हिंदुओं का पक्ष ले और इसलिए मुझे मरवा दें लोग, और गद्दी जो है सिंहासन मेरे हाथ से दिल्ली सल्तनत की चली जाए, जिसके कारण उसने ये रूट अपनाया। लेकिन यहाँ पर जो है औरंगजेब ये तो मुसलमान था ही, और इसने पूरी तरह से जो है क्या किया, शरीयत को लागू कर दिया अपने शासन में, ठीक। तो इसीलिए इसने ये कहा है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, यहाँ पे पूछा है कि इस्लाम देश बनाने के लिए औरंगजेब ने क्या कहा था,
कि किसे, तो दार उल हर्ब को क्या कहा था, दार उल इस्लाम, मतलब इस्लाम का देश बना दिया जाए, ये किसने कहा था, औरंगजेब ने कहा था। औरंगजेब ने इस्लामिक कानूनों को जो है क्या दिया, मान्यता दिया कि इस्लामिक कानून के हिसाब से हम शासन चलाएंगे, और जिसके कारण इस्लाम कानून को मान्यता दिया, कुरान को एकदम मान्यता देता था, जैसे जैसे मतलब कुरान में बोला गया था कुरान का सही ढंग से पालन करने वाला यह शासक था, और जिसके कारण इसे जिंदा पीर की उपाधि दी गई। क्वेश्चन आपसे यहां से पूछता है, याद रखना, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा है, हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा है कि मुगल सल्तनत में जिंदा पीर की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी, तो याद रखना औरंगजेब था, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी हम जानते हैं, और साथ ही साथ शाही दरवेश, क्या, शाही दरवेश के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर जो है एक तरह से बोल सकते हो कि इस्लाम धर्म को बहुत सुचारू ढंग से अपनाने का जो है वो था, ये अपने जीवन काल में जो है कि इस्लाम जो आपका बोल सकते हो कुरान के विरुद्ध जो है कोई काम नहीं किया था, जितना भी काम किया वो सब कुरान के अंतर्गत किया, इसी कारण इसे जिंदा पीर और शाही दरवेश कहा जाता था। इसने क्या किया, जो सिक्के चलाए जाते थे जिसमें कुरान के कलमा खुदवाए जाते थे, तो उसे कहा कि ये कुरान का क्या है, एक तरह से उसका जो है बेइज्जती हो रही है कुरान की, इसीलिए उसने कलमा जो है खुदवाना बंद करा दिया। साथ ही साथ जितने भी फारस के त्यौहार जो यहाँ पे लागू किए गए थे, नौरोज था, पैबोस था, इन सब पर क्या किया, बैन करा दिया। ठीक, संगीत समारोह पे बैन करा दिया है, संगीत भी नहीं किसी को बजाना, और खुद ही बहुत बड़ा एक तरह से बोल सकते हो संगीत प्रेमी था, वीणा वादक था, काफी अच्छा वीणा वादक था औरंगजेब, लेकिन जो है क्या किया, संगीत पर इसने बैन कर दिया। शराब पर, शराब पीना, खेलना, जुआ खेलना, इन सब पे क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, जो भी मतलब ऐसा लगता था जो कुरान के हिसाब से गलत है, उस पर क्या किया इसने, प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर पूरी तरह बैन लगा दिया, इस पर अकबर ने भी लगाया था मगर वो सक्सेस नहीं हुआ था, मगर 63 में इसने पूर्ण रूप से कहा जाए तो बैन करा दिया। साथ ही साथ हिंदुओं पे जो तीर्थकर था उसे वापस इसने लगा दिया, अकबर ने क्या किया था उसे हटाया था, और इसने हिंदुओं पर खासकर लगा दिया, और मुसलमानों पे क्या किया था, माफ कर दिया था। 1668 में, याद रखना 1668 में, हिंदुओं के त्यौहार को जो भी होली दिवाली जो भी मनाते थे, दशहरा, उन सब पर बैन करा दिया, उनको भी रोक दिया। ठीक, और जो आपके 1667 में मुस्लिम व्यापारियों का जो कर लगता था, व्यापारिक कर था, उसे हटा दिया। देखो कितना फेवर कर रहा है मुस्लिमों का, कितना फेवर कर रहा है, यहां से आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक, उसके बाद से जनता प्रवित कानून शरीयत या धर्म के अनुसार जिंदगी बसर कर रही या नहीं, मतलब ये देखता था कि कुरान के हिसाब जो शरीयत में आपके कानून बनाए हैं है, उसका जनता पालन कर रही है कि नहीं, उसके लिए इसने एक जो है पद निकाला, एक जो है बोल सकते हो उसको कहा गया मुहत्सिब। मुहत्सिब का यह काम था कि वो ये देखता था राज्य में, साम्राज्य में, कि जनता जो है उसके राज्य में शरीयत कानून का पालन कर रही है कि नहीं, जो नहीं कर रहा था उसे दंड दिया जाता था। ठीक है, तो वो एक पद कौन सा था जो स्पेशली इसीलिए निकाला गया था कि आपको राज्य का निरीक्षण करना है कि राज्य में शरीयत के हिसाब से सभी कानून जो है फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो याद रखना वो पद था मुहत्सिब का। ठीक, 1669 में औरंगजेब ने सभी सूबेदारों और मुहत्सिबों को जो है, मुहत्सिब जो पोस्ट निकाली गई थी, इन सबको, सूबेदार और मुहत्सिबों को क्या किया, भेजा इनको कि जाओ जितने भी हिंदू आपके क्या हैं, मंदिर हैं, पाठशाला हैं, जहां पर हिंदुओं को धर्म की शिक्षा दी जाती है, उनको नष्ट कर दो। ठीक है, ये इसकी धार्मिक नीति थी, जिसके कारण इतने विद्रोह हुए थे, जिसके कारण जो है आपका मुगलों का पतन शुरू हुआ था। भाई जब इतना सब कर दोगे
हिंदुस्तान हिंदुओं का देश था, जिसमें तुम ऐसा सब करने जा रहे हो कि हिंदुओं की शिक्षा पर जो जहां से शिक्षा मिलती उनको तोड़ने जा रहे हो, उनके मंदिरों का जो आस्था का भवन था उनको तोड़ने जा रहे हो, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पतन तो होना ही था। ठीक, उसके बाद से औरंगजेब के ही आदेश पर ये क्वेश्चन पूछता है, 1669 में बनारस के विश्वनाथ मंदिर, याद रखो ये क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, यूपीपीसीएस ने इसे पूछा है कि बनारस का विश्वनाथ मंदिर और आपका मथुरा का वीर सिंह बुंदेला द्वारा केशव राय मंदिर किसके द्वारा ध्वस्त कराया गया था, तो औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कराया गया था। और आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर के प्री में भी यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, किसी सेट में ये क्वेश्चन था, सिंपल एक पूछा था कि मथुरा का केशव राय मंदिर किसके द्वारा ध्वस्त कराया गया, तो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था 1669 में। ये दोनों याद रखना, विश्वनाथ मंदिर बनारस का और मथुरा का वीर सिंह बुंदेला, और ये वीर सिंह बुंदेला कौन था, ये वही थे जो जहांगीर के शासनकाल में इनको काफी उच्च पदवी मिला था, और इसी वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या कर दी थी, ठीक, किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर, ठीक। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को काफी तोड़फोड़ किया गया था इसी के कहने पर। औरंगजेब ने 1679 में जजिया को फिर से लगा दिया, जिस जजिया कर को अकबर ने बैन किया था, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, मुसलमानों पर तो लगता ही नहीं था, जो गैर मुसलमान थे उन पर लगता था, उसको इसने फिर से चालू कर दिया। गैर मुसलमान मतलब कौन भाई, मुसलमान और आपके छोड़ने के बाद कौन बचेंगे, हिंदू बचेंगे, सिख बचेंगे, ईसाई बचेंगे, तो उन पर जो है ये कर फिर से जो है लगा दिया गया। फिर बाद में चल के इसे बैन किया जाता है, कौन करता है, बहादुर शाह प्रथम अपने शासनकाल में करता है, फिर जो आपके जहांदार शाह आते हैं वो भी करते हैं, तो धीरे धीरे हर शासनकाल में इसका बैन होना शुरू हो जाता है। ठीक, उसके बाद से अपने शासन के 11वें और 12वें वर्ष में जो अकबर द्वारा झरोखा दर्शन शुरू किया गया था, झरोखा दर्शन क्या था कि राजा जो है झरोखा दर्शन देते थे, उसमें क्या होता था कि जो लोगों की समस्या होती, जैसे गलियों से राजा का जो एक तरह से चलता था, सेना के साथ राजा चलते थे और सभी घरों में एक झरोखा बनवाया जाता था जिसके तहत आप राजा से डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते थे कि हाँ राजा साहब मुझे ये समस्या है, तो वहीं पे राजा आपकी समस्या सुनता था उस झरोखा दर्शन के तहत, और आपका समाधान के बारे में जो अपने सेनाओं से बात करता था, अपने मंत्रियों से बात करता था, वो झरोखा दर्शन था जिसे आपके अब कौन, औरंगजेब ने बंद करा दिया। तुलादान सिस्टम जिसने इसने चालू किया था उसे भी इसने बंद करा दिया। तुलादान के मैंने बताया कि एक तरफ राजा को रखा जाता था और एक तरफ हीरे जवाहरात रखकर वो गरीबों में बंटवाए जाते थे, उस प्रथा को भी इसने समाप्त कर दिया पूर्ण तरफ से। औरंगजेब ने गुरुवार के दिन जुमेरात को रात पीरों के मंजार पर एक काम इन्हें इसने किया, क्योंकि ये जो है आपके किसके विरुद्ध था, शरीयत कानून के विरुद्ध था, इसीलिए इसने क्या किया, जो जुमेरात में पीरों के मंजार पर चाहे अन्य कब्रों पर जो दिए जलाए जाते थे उसको भी बंद करा दिया, क्योंकि शरीयत कानून में ऐसा नहीं लिखा था, इसी वजह से इन सबको भी इसने मुस्लिम धर्म के लिए सिर्फ ये चीज बैन करा दी। तो ये इसकी धार्मिक नीतियां थी। तो इस तरह से मैं बता दिया कि आपको औरंगजेब की ये धार्मिक नीतियां, इसको काफी मांगी पड़ी, और इसके इसको क्या मांगी पड़ी, ये तो अपने जब तक था तब तो ऐश में जिया, इसके जाने के बाद जो इसके उत्तराधिकारी आए, इसके धार्मिक नीतियों के कारण काफी विद्रोह हुआ और सही ढंग से मुगल साम्राज्य जो है फिर से खड़ा नहीं हो पाया, इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे सिमटता गया और ये एक तरह से समय के अनुसार जो है खत्म हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा कारण जो भी इनको माना जाता है कि इनकी औरंगजेब की धार्मिक नीति थी। इसके बारे में हम आगे जो है आगे बात करेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर 1707 के बाद कैसे मुगल एम्पायर का जो है विघटन हो जाता है, जो इनके उत्तराधिकारी आते हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से इसी को दोष दें कि इसकी धार्मिक नीतियों के कारण ही डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का, कुछ तो ये भी था कि जो इनके उत्तराधिकारी आए औरंगजेब के वो भी निकम्मे थे, किसी लायक नहीं थे, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ आपका मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। इन सब बातों पर हम जिक्र करेंगे हम अगले सेशन में, और वहीं से आपका शुरू हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है।
कुछ पार्ट आपके इसके जो बच रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर्स, ठीक है, उनको मैं अलग से लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, कुछ आपके फैक्ट एक कवर करा दूंगा कि कहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, शासन व्यवस्था जो मुगल की बची है, मैक्सिमम तो मैंने पढ़ा दिया था मुगल में, जब अकबर पढ़ाया था उसी में शासन का जिक्र कर दिया था, क्योंकि जो शेरशाह सूरी वाला शासन प्रणाली था सेम अकबर ने मतलब मुगलों ने आपका अपनाया था, तो उसी में थोड़ा सा चेंज है, उसे मैं किसी दिन आपका छोटा सा लेक्चर लेके आपका आर्किटेक्चर और आपका शासन प्रणाली ये कवर करा दूंगा। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा आपका मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होगी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।